गुड मॉर्निंग साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने पीवीआर स्टडी में। इस समय सुबह के 6 बज चुके हैं और आपकी एक विशेष क्लास शुरू हो चुकी है डीएलएड की, फोर्थ सेमेस्टर पर आधारित। नाम और टाइटल डीएलएड है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट होगा ना, ये सभी के लिए है। इसलिए ध्यान से देखिएगा इस क्लास को और पूरा देखिएगा, भाग के मत जाइएगा बीच में, ठीक है? स्किप मत करिएगा, एक तरफ से देखिएगा, पूरा देखिएगा। चलिए, आज हम कुछ प्रमेय लेकर के आए हैं आपके लिए, जिनको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। जैसे चतुर्भुज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटरल। तो साथियों, क्वाड्रेटरल ये तो चतुर्भुज है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा था पैरेललग्राम। पैरेललग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज। अब इसके सूत्र हम लोगों ने देख लिए थे, क्षेत्रफल देख लिया, आयतन, जो भी चीज़ें होती हैं सब कुछ निकाल लिया था, इसमें जो कॉन्सेप्ट थे, क्वेश्चन थे, कर लिया था। लेकिन इसमें कुछ सिद्ध करने वाले प्रमेय आते हैं, हम उन्हीं के बारे में अब बात करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। और वो क्या क्या हैं आपके सामने हैं। पहला है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसको सिद्ध करना है, कैसे होता है, क्यों होता है, प्रूफ करके दिखाना है। चतुर्भुज के विकर्ण अगर ना जानते हो तो आपको बता दें, इन्हें बोलते हैं डायगनल ऑफ क्वाड्रेटरल। जैसे इसको अगर चित्र से आपको समझा दें तो यहाँ पर आप समझ लीजिएगा, ये चतुर्भुज के विकर्ण हैं। ये समांतर चतुर्भुज के विकर्ण अगर बोलें तो ये कुछ ऐसे ही बनेंगे। जैसे ये मैंने बनाया ना ए बी, ये चतुर्भुज का विकर्ण है, ठीक है ना? जैसे आप पतंग बनाते हैं तो बीच में जो खींचते हैं ना, एक रस्सी टाइप का क्या होता है, ये सॉरी यहाँ नहीं आ जाएगा, ये दोनों क्या हैं, ए बी सी डी चतुर्भुज के क्या हैं, ये तो चतुर्भुज है ए बी सी डी, एक विकर्ण इसमें ए बी है और एक है सी डी, समझ गई है विकर्ण। लेकिन इसको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करें, समद्विभाजित का मतलब क्या होता है जानते हैं साथियों? इसका मतलब ये होता है कि अगर इस विकर्ण की लंबाई पूरा जो है वो 4 सेंटीमीटर है, इस विकर्ण की लंबाई पूरा 4 सेंटीमीटर है, तो ये विकर्ण जो एक दूसरे को बीच में काटते हैं, ये यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर पर काटें, मतलब 2 से ज़्यादा ना हो, ना कम ना ज़्यादा, अगर 2 सेंटीमीटर पर काटेंगे तो क्या होगा, कहेंगे कि ये विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित मतलब दो भाग में बराबर बराबर बांटते हैं, बात समझ रहे ना? तो वैसे ये तो सही है, ये कथन सत्य है कि किसी भी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर भाग में बांटते हैं, मतलब समद्विभाजित करते हैं। लेकिन इसको सिद्ध करके दिखाइए, अगर ऐसा होता है तो वो चतुर्भुज समांतर कैसे होता है, क्यों होता है, चलिए सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने वाले में साथियों, एक बहुत ही अच्छी बात ये होती है कि इसमें जो भी चीज़ें दी होती हैं हम उनको पहले लिख लेते हैं। देखिए, सिद्ध क्या करना है, याद रखना इसको, कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, और सॉरी ऐसा नहीं है, ऐसा है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण, यदि किसी क्वाड्रेटरल के डायगनल है ना, एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा। ये सिद्ध करना है कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो चतुर्भुज समांतर होगा। चलिए, दिया है, क्या दिया है, हमें एक चतुर्भुज दिया गया है जिसका नाम है ए बी सी डी, ठीक है? ये चतुर्भुज हो गया जो कि समांतर है, इसको सिद्ध करके दिखाना है। कैसे, इसके विकर्ण भी हैं जो इनका नाम है ए सी और बी डी, पहले लिखेंगे ज्ञात है, क्या क्या ज्ञात है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि ए ओ बराबर सी ओ और ओ डी बराबर ओ बी। यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, जहाँ पर हमने क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज, क्या लिखा है, समांतर चतुर्भुज ना, इसको आप चतुर्भुज लिख लीजिए, समांतर मत लिखिए, क्यों, क्योंकि समांतर तो हमें सिद्ध करके लाना है ना, हमें एक चतुर्भुज दिया है बस, ये समांतर है कि नहीं हमसे इससे नहीं मतलब है, हमें यह इतना ही पता है कि हमें एक चतुर्भुज दिया है जिसका नाम है ए बी सी डी, जिसके विकर्ण ए सी, यहाँ पर आप इस बात को लिख लीजिएगा, ये ए सी विकर्ण है और एक विकर्ण है ये बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को इस प्रकार से काटते हैं कि ए सी बराबर सॉरी ए ओ बराबर सी ओ, मतलब ए ओ ये जो है इसके बराबर है सी ओ के, ये दिया गया है, कहा गया है, तभी तो समद्विभाजित होगा भाई। अगर ये पूरा पूरा 4 है, ये पूरा पूरा ए से सी तक अगर ये 4 है, तो इनके कहने का ये मतलब है
कि ओ सी दो है और ओ ए क्या है, ये दो है। चाहे इसको ओ ए बोलो चाहे ए ओ बोलो, मतलब एक है। चाहे इसको ओ सी बोलो या सी ओ बोलो, सी ओ बोलोगे तो अच्छा लगता है ना। तो मतलब समझ गए ना अब आप। तो ये हमें दिया था, अब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है ये जानते हो? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसी को तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, इसको आप लिखते जाइए, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए हम क्या करेंगे इसमें, जानते हैं आप कि सिद्ध करना है दिया है, उत्पत्ति रचना ये सब भी लिखा जाता है ना। तो इसको अपने हिसाब से जो जैसे है उसको ऐसे लिखते चले जाइए फटाफट, बस देर नहीं करना। नीचे लिखिए उत्पत्ति। उत्पत्ति वो होती है जिसको हम हल करते हैं, इसमें जो जो करते हैं उत्पत्ति ऐसे लिखते हैं अपने अपनी भाषा में लोग, कैसे क्या करते हैं। कौन कौन सा त्रिभुज अगर आप देखिए तो कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं पता है? देखिए ए ओ डी अगर ऐसे देखो, ये इतना एक त्रिभुज बन रहा है, बन रहा है ना, बन रहा है कि नहीं? जैसे ये मैंने जिसमें घेर दिया, ये क्या है जहाँ मैंने गोचा अंदर में, ए ओ डी एक त्रिभुज है ना, है ना। और एक त्रिभुज अगर आप देखिए तो एक ये भी बन रहा है, ये बी ओ सी बन रहा है ना, एक ये भी बन रहा है, एक ये भी बन रहा है। भाई जब बीच से कट जाएगा तो इसमें चार त्रिभुज बन जाएंगे अगर ध्यान से आप देखिए तो। लिखिए त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ बी में, ए ओ डी तथा सी ओ बी में, त्रिभुज ए ओ डी तथा सी ओ बी में क्या है इसमें, इसमें क्या है? इसमें बहुत कुछ दिया गया आपको, वो क्या दिया गया है? ए ओ बराबर सी ओ, ए ओ बराबर सी ओ किसमें? त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी तथा सी ओ बी में, ए ओ सी ओ के बराबर है, बोलो है कि नहीं? ये ए ओ सी ओ के बराबर है। ये ऐसे आसानी से समझ में ना आएगा अगर दिमाग ना लगाएंगे तो, दो तीन बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। और एक ओ डी ओ बी के बराबर है, ओ बी बराबर ओ डी। देखिए इसमें कन्फ्यूजन मत करिएगा, चाहे इसको ओ बी बराबर ओ डी लिखो या फिर आप इसको बी ओ बराबर डी ओ लिखो, मतलब एक है हुआ ठीक ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि ये दिया है, ये दिया भी तो है। अब आप कहेंगे कि दिया है दो दो बार क्यों लिख रहे हैं, हमने तो एक बार लिखा दिया है, लेकिन ये उपपत्ति में आ रहा है, फालतू गले का फांस बन रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया। इसमें देखिए और भी एक बात है, और एक कौन सी बात है ध्यान दीजिए, इसमें एक बात ये है कि त्रिभुज जो दिया गया इसमें दो कोण भी बराबर हैं, ए ओ डी और सी ओ बी बराबर है। कौन कौन सा कोण? ए ओ डी और मतलब कहने का ये कोण, ये कोण, और सी ओ बी की ओ सी बी कौन सा कोण है इसमें, एक मिनट, कोण सी ओ बी कौन सा, सी ओ बी, ये दोनों क्या है आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब ये बात आपको थोड़ा कम समझ में आ रही होगी, देखिए हमने क्या कहा, कोण ए ओ डी, ए ओ डी बराबर है किसके, सी ओ बी के बराबर है। कैसे बराबर है ध्यान देना, ये कोण जो बन रहा है और ये नीचे से ये कोण, समझ में आ रही ना बात, कौन सा, ये कोण और ये कोण जो कि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में बन रहा है, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि किसी भी चतुर्भुज में या फिर कहीं भी जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं आपस में बराबर होते हैं। इसके आगे लिख लो क्या शीर्षाभिमुख कोण है, इसके बारे में आप पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ चुके हैं है ना, शीर्षाभिमुख कोण जो आमने सामने होते हैं, इनको किसी और भी नाम से जानते हैं आप बताइए कमेंट करके, और क्या नाम होता है इनका, ठीक है इंग्लिश में बताइएगा क्या कहते हैं। ये हो गया, अच्छा ठीक है। एक बात देखिए, हमने आपको सर्वांगसमता और समरूपता पढ़ाया था, उसमें कंडीशन क्या थी, जब दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, साइड साइड और एंगल ऐसे ऐसे ए सर्वांगसम हो गया कि नहीं हो गया भाई, दो कोण दो भुजा बराबर हो गई, ए ओ सी ओ के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर, और ए ओ डी ये दोनों कोण बराबर हो गए तो क्या हो गया, अतः त्रिभुज ये दोनों, यहाँ पर ओ था ना,
वो ऐसे लिख लीजिए समझने के लिए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, और जब सर्वांगसम हो गए तो आधी बीमारी तो पहले दूर हो गई। लिख लीजिए, लिखिए त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम सी ओ बी, अतः त्रिभुज ए ओ बी और सर्वांगसम ऐसे लिखते हैं ना, सी ओ बी है ना, लिख लीजिए जल्दी से, लिखिए तुरंत हम आगे से हट जाते हैं। सी ओ बी और ए ओ बी क्या होंगे, दोनों सर्वांगसम हो गए। अब आगे देखिए क्या होता है, आगे क्या होगा, बस वही जो आप लोग जानते हैं, इतना नोट कर लिए। चलिए इसलिए आगे लिखिए, इसलिए अब इसमें कोण सी ए बी बराबर हो जाएगा ए सी डी के, कौन सा नीचे इसको मिटाएंगे अभी हम, कोण सी ए बी, सी ए बी कहाँ है, सी ए बी, अगर आप ऐसे देखो बीच वाला अनदेखा करो, सी ए बी, अभी इसको बना के दिखा रहा हूँ मैं, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए इसको इधर रहने देते हैं, इसको मिटाते हैं, नहीं लिख पाए तो पीछे करके वीडियो को लिख लीजिए, ठीक ना, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत सी चीज़ें करना है इतने ही दूर में, तो मिटाना तो पड़ेगा ना, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, नहीं तो रोक करके लिख लीजिए, इतना फिर आगे देखिए, कॉपी में समझिए, मतलब जो हम बता रहे हैं उसको देखते जाइए, कॉपी में लिखते जाइए, वहाँ पूरा देखिए एक साथ, क्योंकि यहाँ बोर्ड पर एक साथ नहीं दिख पाएगा, ठीक है। लिखिए कोण सी ए बी इक्वल, अभी हम बना के दिखा देंगे, सी ए बी, सी ए बी किसके बराबर होगा, सी डी ए लिखो, चाहे चाहे इसको ए डी सी लिख लो तब भी ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो ना, या ए सी डी लिख लो। चलिए ये किसके बराबर होगा, कोण ए सी डी के बराबर होगा। अब ये काहे होगा, क्यों होगा, देखो इधर, अगर आप इसे दो भाग में तोड़िए, दो भाग में मेरा मतलब ये है कि ये इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अब देखना बोलो एक कोण बन रहा है कि नहीं, अरे भाई ये एक कोण बन गया कि नहीं बना, बना ना, बीच की ये बीमारी दूर कर दीजिए, क्योंकि अब आपको समझाना है, एक कोण ये बना, बना ना भाई, ये क्या था, एक समांतर चतुर्भुज के रूप का था ना, मतलब चतुर्भुज था, तो अगर इसका आधा भाग हमने ले लिया तो ये अगले के इसके आधे के बराबर होगा कि नहीं, बोलो होगा ना, होगा ना, देखना फिर से देखना अभी क्या होता है, इसको हम यहाँ ले जाएंगे और यहाँ से यहाँ मिला देंगे, ठीक ना, अब देखना अब क्या होगा, अगर हम इसको मिटा दें, अब बोलो ये क्या बचा, इसी का आधा भाग बचा कि नहीं बचा, बचा ना, क्योंकि ये त्रिभुज एक समांतर, सॉरी समांतर चतुर्भुज के रूप का था, तो आधा पार्ट ये और आधा ये, इसका मतलब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं ना, है ना बराबर, तो लिख लीजिए बराबर हो गए एक दूसरे के, ठीक है। तथा इसमें एक त्रिभुज और भी बराबर होगा, सॉरी कोण, कौन कौन से, ओ ए डी और ओ सी बी, ओ ए डी और ओ सी बी, अभी उसको भी दिखा देता हूँ, इसको बना लीजिए जैसे था वैसे, गड़बड़ ना होने पाए यार, ये सब गड़बड़ा हो जाएगा का, ये लो हो गया, ठीक है। चलिए ये ओ था, इसमें एक और बराबर है, वो क्या है, नोट करिए जल्दी से, लिखिए कोण ओ ए डी, कोण ओ ए डी ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए डी, ध्यान देना, अभी तक तो हम इधर इधर करते थे, अब ये इधर से जा रहा, ओ ए डी मतलब ये इतने की बात हो रही, इतने की, इतने की, ठीक, ये किसके बराबर होगा, नीचे वाले के, नीचे क्या है, ओ सी बी लिख लो या फिर बी ओ सी लिख लो, चाहे जो लिखो, ठीक है, किसके बराबर है, ओ सी बी की, यानी कि एक प्रकार से ऐसे कहें तो कोण जो है ये एकांतर कोण हो जा रहे हैं ना, कोण ए और कोण सी, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोण ए और कोण सी बराबर हैं, ठीक है। लिखिए अब इसको अभी समझाने के लिए मैं आपको बना के दिखा देता हूं, चाहे इन दोनों को मैंने क्यों बराबर किया, इधर देखिए ऊपर वाला चित्र देख के समझिएगा, ये जैसे अगर मैं इसी का एक रूप बना रहा हूं, यहां पर मान लो ओ है, यहां पर क्या है, डी है, यहां पर ए है, ठीक, मैंने कहां से निकाला इस पार्ट को, जरा गेस करिए, इसमें से मैंने काटा है, ओ डी
ए, ठीक, किसके बराबर किया है? इसके बराबर किया है। नीचे वाला पार्ट देखना, इसी में अगर मैं लाके जोड़ दूं तो ये कुछ ऐसे बन रहा था ना, ओ बी सी, इन्हीं दोनों को मैंने बराबर किया है, इसीलिए बराबर लिखा है। समझ रहे हो ना बात? जैसे ओ ए डी यानी ओ ए डी और ओ सी बी मतलब ओ सी बी, इसी में का अगर आप दो भाग करो, गेस करो तो, है ना? ठीक, ये दोनों क्या हो गए? आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो नहीं गए, बराबर हैं। आप वैसे भी अगर गेस करिए तो बराबर हैं। अभी हमने ए सी डी वाला और ये सी ओ बी वाला दिखाया था, वो भी तो ऐसे बराबर था ना भाई। कोई भी चीज़ है अगर उसको आधा आधा तोड़ोगे तो बराबर अगर है तो बराबर दिखेगा। तो ये हो गया। अब नीचे आप क्या लिखेंगे, लिखिए जल्दी से। देखिए, सिद्ध करना है तो इसमें कुछ हमें आगे चलना होता है समझ बूझ के। लिखिए, अब ए डी और बी सी रेखाओं को ए सी प्रतिच्छेदित करती है तथा एकांतर अंता कोण ए सी कौन सी प्रतिच्छेदित करती है? ए बी तथा सी डी, ये दोनों रेखाएं हैं ना, ए बी सी डी रेखाएं हैं, ए डी और बी सी भी हैं, है ना? ए डी और बी सी दोनों क्या थी, समांतर रेखा थी कि नहीं? अरे भाई, ऐसे ऐसे थी, समांतर हैं कि लंबवत हैं, क्या है बताइए? नोट करिए, जल्दी लिखिए। अब ए डी और बी सी रेखाओं को ए सी प्रतिच्छेदित करती है अब ए डी और बी सी समांतर रेखाओं को क्या करता है? ए सी प्रतिच्छेदित करती है। लिख लिए, इसको तो हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। कोण ओ ए डी इक्वल ओ सी बी, ये क्या थे? एकांतर अंता कोण थे ना, इसको हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। अगर ये पहले ही सिद्ध कर चुके हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, ए डी बी सी समांतर हैं, अतः ए डी समांतर क्या, बी सी। और अगर किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों, जैसे ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के, तब तो चतुर्भुज समांतर होगा ही ना। अब नीचे लिखिए, इसी प्रकार अगर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, क्या होगा, ए बी समांतर सी डी। लिखिए, ए बी समांतर सी डी, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ या होगा, होगा लिख लीजिए, ठीक है? नहीं समझ में आया तो तुरंत बताना, बिल्कुल टेंशन मत लेना। हो गया ना क्लियर? तो साथियों, इसको अगर आप दो बार देखेंगे, तीन बार देखेंगे तो कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है, मतलब समझने लायक है, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है। हमने सोचा था आज इसमें तीन चार परिमेय करवा देंगे, लेकिन एक में ही इतना टाइम लग गया कि दूसरा तीसरा का नंबर ही नहीं आया। तो इसके आगे हम एक एक अलग अलग में करवा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा उसको भी, आज ही की डेट में वो भी पब्लिश हो जाएगा, अगला भी देख लीजिएगा, ठीक है? इसी के जस्ट बाद वो भी पब्लिश हो जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा, तुरंत बाद आइए बस, अगर आप देखना चाहते हैं तो तुरंत देख लीजिए। अगला क्या होगा पता है? दूसरी क्लास में हम इस परमीय को सिद्ध करेंगे। वो क्या है, जो अभी आपने सिद्ध किया ना, उसी का जस्ट एक पार्ट पहले, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, इसको सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक ना? विकर्ण मतलब डायगोनल, जो अभी आपने देखा था, ये जो एक दूसरे को काटते हैं, जहां पर जैसे यहां पर कट रहा है मान लो ओ है, तो ये बराबर बराबर भाग में काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं, इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो अगली क्लास देखिएगा, इसकी लिंक आपको हो सकता है इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाए, ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, और ये क्लास आपकी पीवीआर स्टडी ग्रुप चैनल पर होगी। कहाँ पर? पीवीआर स्टडी ग्रुप, तो आप वहाँ पर इसको देख लीजिएगा जरूर, पीवीआर स्टडी ग्रुप लिख करके आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा उसे, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी क्लासें मिलेंगी, तो देखिएगा जरूर, भूलिएगा मत, बहुत महत्वपूर्ण है ये।